अगर एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज़्यादा होता है तो एडवांस टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। इंस्टॉलमेंट जो इंस्टॉलमेंट में पे करना पड़ता है, चारों इंस्टॉलमेंट जो है उसका डेट बोलो। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डेट क्या है? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए डेट क्या है? सर 15 जून, सर उसके बाद 15 सितंबर, उसके बाद मतलब 15 15 करके। 15 15 करके, ठीक दो दो महीना छोड़, दो दो महीने का, मतलब दो दो महीना छोड़ कर तो क्वार्टरली मैंने फोर देखें टाइम, तो। हाँ क्वार्टरली मतलब 4 टाइम्स, स्लैब बोलो। स्लैब कितना जून के अंदर कितना देना पड़ेगा? 15 जून तक। संदीप बोलो, संदीप 15 जून तक कितना देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा, हाउ मच परसेंटेज? जाओ रे, अच्छा, एडवांस टैक्स के लिए कितना एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा, उसके लिए एक प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम से समझेंगे। तो यहाँ पे किसका इनकम दिया हुआ है? मिस्टर रुस्तम का। किसका इनकम दिया हुआ है? मिस्टर रुस्तम। मिस्टर रुस्तम का इनकम दिया हुआ है। अच्छा, उससे पहले हम लोग कितना कर चुके हैं, इतना तक कर चुके हैं, अप टू प्रीवियस क्लास। फ्रॉम नाउ वी आर स्टार्टिंग विथ द प्रॉब्लम विथ ए सम वायर यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल बाय मिस्टर रिस्तोम। उसका एस्टिमेटेड इनकम दिया हुआ है कौन सा ईयर का? 18 19 का। सैलरी कितना है? इतना। वो एस्टिमेट किया है कि मुझे पूरा साल में इतना सैलरी मिलेगा, हाउस प्रॉपर्टी से रेंट इतना मिलेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से इतना मिलेगा, बैंक डिपॉजिट से इतना मिलेगा, और हॉर्स रेस से इतना मिलेगा। एस्टिमेट किए हैं, एक्चुअल नहीं है, एस्टिमेटेड है। एस्टिमेटेड के बेसिस पर तुम्हें एडवांस टैक्स पे करना होगा। तो टोटल इनकम, किनका टोटल इनकम कितना है बोलो? टोटल इनकम कितना है बोलो, टोटल करके बोलो। सर टोटल इनकम कितना हो रहा है मिस्टर रुस्तम का? साउंड अच्छे बंद करो। साउंड अच्छे बंद करो। अच्छा, 3 टोटल इनकम का तो अच्छे, देखो कितना हो रहा है, उसके हिसाब से टैक्स एडवांस टैक्स पे करना होगा ना। कितना हो रहा है? 6 लाख 80 हो रहा है ना। 6 लाख 80 के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो, कितना टैक्स देना पड़ेगा। एस्टिमेटेड टैक्स एस्टिमेट करो। एस्टिमेटेड इनकम तो इतना है, एस्टिमेटेड इनकम तो इतना है, और एस्टिमेटेड टैक्स कितना होगा वो कैलकुलेट करके बोलो। आ
अप टू 2,50,000 नील है, तो नील है ना। और उसके बाद 5 लाख तक, 5 लाख तक कितना परसेंटेज, 5 लाख तक कितना परसेंटेज 2,50,000 से, 5% है तो 12,500 ना। अच्छा, और रिमेनिंग कितना है? वो 5 लाख कितना है, उसके ऊपर कितना परसेंटेज, 5,01,000। अच्छा, 1 नहीं, 5 लाख ही लिखो। 6,80,000 से माइनस करो 5 लाख, तो 1,80,000 के ऊपर कितने परसेंटेज, 20, 20 तो 20, 36,000। दोनों ऐड करके बोलो, 12,500, 48,500। ठीक है, एस्टिमेटेड इनकम है 6,80,000, एस्टिमेटेड टैक्स लाइबिलिटी कितना है, 40 नहीं, उसके साथ और क्या करना पड़ेगा, उसके साथ सेस भी तो जोड़ना पड़ेगा ना, सेस भी तो जोड़ना पड़ेगा। सेस कितना परसेंटेज बोलो, सेस 4%। 4%, 4% सेस, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस। तो 4% करके देखो कितना आ रहा है, 485 × 4, 485 × 4, 485 × 4, 1,950, 1,950 उसके साथ ऐड कर दो, 4,850, 1,950, 50,450, कितना आ रहा है ना, जी सर, 4,854 से मल्टीप्लाई, 1,940। सॉरी, हाँ, बोलो। तो 485 × 4 सर 1,940 होगा। 1,940, 1,940, 1,940 हो रहा है क्या, 485 × 4%। हाँ सर, 1,940। नाइनटीन फोर्टी फोर्टी हो रहा है, तो 9,504,40, तो इतना तो टैक्स लाइबिलिटी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो सैलरी इनकम दिया हुआ है, क्या ये सैलरी इनकम से वो जो डिडक्शन मिलता है ना, क्या वो डिडक्शन नेट करके दिया हुआ है? साउंड हो रहा है किसका, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे करके। इनकम फ्रॉम सैलरी जो है, क्या ये सैलरी से जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन माइनस करके है? बोलो। जी सर, नहीं है। अगर यहाँ पे कंप्यूटेड लिखा होता, कंप्यूटेड, अगर यहाँ पे कंप्यूटेड विद इन ब्रैकेट लिखा हुआ होता तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि, अगर ऐसा लिखा है कि तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये कंप्यूटेड है, मतलब सब कुछ डिडक्शन डिडक्ट करके वो जो नेट सैलरी है वही है। यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम सैलरी है ये ग्रॉस है, मतलब वो जो 50,000 डिडक्शन मिलता है 16 अंडर सेक्शन 16 में, या फिर पीटेक्स का जो छूट मिलता है वो लेस करके नहीं है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इससे 50,000 माइनस करना पड़ेगा, है कि नहीं? वो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना,
और इधर जो रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, क्या ये नेट है, कंप्यूटेड है, बोला गया है कंप्यूटेड, बोला गया है क्या? नहीं बोला गया है नहीं ना, सर, तो इसे क्या मानोगे, इसे क्या मानोगे, ग्रॉस सर। इसे मानोगे ग्रॉस, तो रेंट से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, वो जो 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ना नेट एनुअल वैल्यू से, मिलता है कि नहीं, मिलता है जी कि नहीं, ठीक है, वो डिडक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद टोटल इनकम डिटरमाइन करना पड़ेगा। ऐसे तुम क्या कर दोगे, ऐसे करोगे तो नहीं चलेगा, सिर्फ टोटल कर दिए उसके बाद जो टोटल करके आया है वो उसे एस्टिमेटेड टोटल इनकम लोगे और उसके बाद एस्टिमेटेड टैक्स निकालोगे, ऐसे करने से नहीं चलेगा। अगर सैलरी विद इन ब्रैकेट कंप्यूटेड नहीं लिखा है तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये ग्रॉस सैलरी है, उससे क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, 30,000, 30 नहीं, कितना है स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी के लिए, सैलरी के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000, वही माइनस करना पड़ेगा, और हाउस प्रॉपर्टी से जो नेट एनुअल वैल्यू से 30% डिडक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जो इनकम आएगा वो है एस्टिमेटेड इनकम, उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होगा, वो होगा एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा आंसर देखो, आंसर देखो क्या है, ये ग्रॉस है, उससे क्या माइनस करोगे, 50,000 माइनस करोगे, 50,000 का माइनस किया हुआ है क्या, नहीं है, यहाँ पे तो नहीं। ग्रॉस ही दिया हुआ है, माइनस करके नहीं दिया हुआ है, तो ग्रॉस इसे तो माइनस करना चाहिए ना, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, फाइव लैख 40,000, उससे 50,000 माइनस करो, 4 लैख 90 लेना पड़ेगा, 4,90,000, और हाउस प्रॉपर्टी हेड में तो जो रेंट मिला है उससे क्या माइनस करोगे, 30%, ये होगा सैलरी हाउस प्रॉपर्टी से इनकम। और अदर सोर्स से क्या क्या है, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट है, दोनों है, हॉर्स रेस से कितना परसेंटेज है डिडक्ट करके दिया हुआ है, हॉर्स रेस से कितना परसेंटेज डिडक्ट करके दिया हुआ है, 30% ना, 30%। नेट करके दिया हुआ है, ये जो 14,000 है इसे नेट करके दिया हुआ है, मतलब ये कितना परसेंटेज है, 75%, मतलब 75% इक्वल टू 14,000, तो 100% इनकम मतलब कितना होगा, 100% इनकम में क्या होगा, 100 से मल्टीप्लाई करो कितना होगा टोटल, 20,000, ठीक है, तो हॉर्स रेस से कितना मिला है, हॉर्स रेस से कितना मिला है, 25 20,000 इनकम मिला है, ठीक है, तो इसीलिए कितना लेना पड़ेगा, 20,000, वो जो इनकम दिया हुआ है वो तो टीडीएस माइनस करके दिया हुआ है ना, तो तुम्हारा टोटल इनकम कितना हो रहा था, टोटल 20,000 हो रहा था, तो उसी को लेना होगा, टोटल इनकम ये तीनों ऐड करके मिलेगा। अच्छा ये तो 50,000 कम होगा ना, ये 50,000 कम होगा तो 0.5 कितना होगा, है कि नहीं, और
सेविंग्स इंटरेस्ट से कितना डिडक्शन मिलता है? सेविंग्स इंटरेस्ट से 80 TTA में, 80 TTA बोल के एक सेक्शन है उसमें, सर सर आप जो टोटल इनकम लिखे है वहाँ पे 603600 होगा। अच्छा यहाँ पे 3 होगा जस्ट। अच्छा 80 TTA में कौन सा डिडक्शन मिलता है? सेविंग्स अकाउंट से अगर इंटरेस्ट मिलता है तो वो 80 TTA में डिडक्शन मिलता है। 80 से लेकर 80U तक, 80C से लेकर 80U तक कुछ सेक्शन है जहां पर तुम्हें डिडक्शन मिलता है। जैसे अच्छा 80C से 80U तक कुछ डिडक्शन है मिलता है उस सेक्शन में, कुछ सेक्शन है जिसमें डिडक्शन मिलता है, तो 80 TTA ऐसा ही सेक्शन है कुछ जिसमें कौन सा अमाउंट डिडक्शन मिलता है, कौन सा अमाउंट का डिडक्शन वो मिलता है सेविंग्स इंटरेस्ट से, जो सेविंग्स अकाउंट से जो इंटरेस्ट मिलता है वो डिडक्शन मिलता है 80 TTA में। तो कितना मिलेगा मैक्सिमम? मैक्सिमम 10,000, लेकिन तुम्हें मिला कितना? 13,000। लेकिन मैक्सिमम मिलेगा डिडक्शन 10,000, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो डिडक्शन लेने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा टोटल इनकम, ठीक है। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके ऊपर मतलब ये तो नहीं होगा। 593,600 इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना होगा। इसमें से तुम ये जो 593,600 है इसमें से स्पेशल रेट ऑफ इनकम जो है, स्पेशल रेट ऑफ इनकम कितना है? 20,000 है कि नहीं? स्पेशल रेट ऑफ इनकम 20,000। ये स्पेशल रेट ऑफ इनकम क्यों है? स्पेशल रेट ऑफ इनकम है क्योंकि इसके ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई होता है। उसे माइनस कर दो। उसे माइनस करने के बाद कितना अमाउंट बच रहा है? 6,000 इतना। इसके ऊपर तुम नॉर्मल रेट अप्लाई करो और 20,000 के ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई करो। 20,000 के ऊपर स्पेशल रेट अप्लाई करो कितना? टैक्स 6,000, 20,000 के ऊपर। और जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग मतलब कितना है? 5,00,000, 73,600। इसके ऊपर कितना परसेंटेज? नॉर्मल रेट अप्लाई करना पड़ेगा। नॉर्मल रेट मतलब समझते हो? अप टू नील और 2,00,000 वन से 5,00,000 कितना परसेंटेज? 20 करोगे तो 20 करोगे तो इतना। और सर 20 क्यों होगा सर? अच्छा सॉरी 5 ठीक 5% 5,00,000 के बाद 20%। अच्छा 5 करोगे तो इतना ही होगा ना अमाउंट, इतना होगा 20 नहीं। अच्छा 5,00,000 के ऊपर है कितना? इतना अमाउंट इसके ऊपर कितना परसेंटेज? 20 तो 14,720 टोटल करके बोलो 12,27,020 हाँ इतना हो रहा है। अच्छा इसके ऊपर फिर क्या करना पड़ेगा? इसके ऊपर एडुकेशन एंड हेल्थ देना पड़ेगा ना।
एडू एंड हेल्थ सेस 4%, 4% करके कितना आएगा? 4% कितना रहा है? 1,088 तो ऐड करके 8,033, 8,082 इतना रहा। तो इतना तुम्हारा एस्टिमेटेड टैक्स हो रहा है, एस्टिमेटेड टैक्स इतना एस्टिमेटेड टैक्स है। तो एस्टिमेटेड टैक्स इतना है, तो देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा बोलो? एडवांस टैक्स, एडवांस देना टैक्स पड़ेगा। देना पड़ेगा। तो एडवांस टैक्स कितना देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा? ऑलरेडी डिडक्टेड कितना है? ऑलरेडी डिडक्टेड कितना है? टीडीएस से डिडक्ट हुआ है ना? टीडीएस से डिडक्ट हुआ है कि नहीं है? 22,308 इतना और देना पड़ेगा एडवांस टैक्स। वेल इतना देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। सर ये 6,000 कहाँ से आया सर? टीडीएस का अमाउंट हाँ ये देखो, नेट करके कितना मिला था? नेट करके कितना 30%, मिला है? तो फोर्टीन टीडीएस, थाउजेंड हाँ तो तुम्हारा इनकम कितना हो रहा था? 20,000। मिला कितना? 14,000। अच्छा हाँ सर ठीक तो है सर। टीडीएस डिडक्शन है 6,000। बुक में जो साम दिया हुआ है ये इसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहिए। कहाँ पर बोलो? तो जो सैलरी का जो डिडक्शन है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है ना, 50,000, जी सर जी हाँ वही करेक्शन करना होगा। और सब कुछ सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम, सिर्फ वहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन से माइनस करना होगा। क्योंकि यहाँ पे देखो ग्रॉस सैलरी लिखा गया है, और फिर भी जो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सैलरी से वो डिडक्ट नहीं किया गया है। अगर ग्रॉस सैलरी होगा तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ना इनकम टैक्स के हिसाब से। जैसे रेंट में क्या किया गया है? रेंट में देखो, रेंट में क्या किया गया है? 30% क्लेम किया गया सर। है। तो सैलरी में भी तो 30% मिले, 50,000 मिलेगा ना स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो सैलरी हेड है, हाउस प्रॉपर्टी हेड है, अदर सोर्स हेड है, तीनों हेड है। तीनों हेड में इनकम इतना हो रहा था, उससे 80 टीटीए में तो डिडक्शन मिलेगा, वो इतना हो गया है। उसके ऊपर ये जो इनकम है, ये दो, इसमें दोनों टाइप का इनकम है। ये एक तो पेशल रेट वाला इनकम है और नॉर्मल रेट वाला इनकम है। पेशल रेट वाला इनकम कितना है? 20,000 है, 25 20,000। और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कौन सा? वो नॉर्मल रेट वाला। नॉर्मल रेट अप्लाई करोगे, नॉर्मल रेट अप्लाई करके इतना आएगा। तो टोटल तुम्हारा इतना होगा, उसके साथ 4% जोड़ दो सेस, इतना टैक्स लाइबिलिटी होगा। और टीडीएस तो ऑलरेडी डिडक्ट हो गया है, तो कितना और देना पड़ेगा? इतना देना पड़ेगा। और तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना दोगे? 15%। उसी का 15% किसका? इसका 15% ले लो, इतना होगा। और सेकंड इंस्टॉलमेंट में टोटल कितना देना होगा? सेकंड इंस्टॉलमेंट टोटल
45 देना होगा। ऑलरेडी कितना पे कर चुके हो, ऑलरेडी 15%, तो अब कितना देना होगा, अब देना होगा 30%। देखो जून तक कितना पे कर देना चाहिए, तुम्हारा जो एडवांस टैक्स पेबल है जून तक 15% पे कर देना, जून तक उसका 15%, और सितंबर तक कितना पे कर देना चाहिए 45। अगर तुम जून तक 15% पे की हो तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में तुम्हें कितना देना पड़ेगा 45 करने के लिए, 45% करने के लिए और कितना देना पड़ेगा 50%, 30% देना पड़ेगा ना, तभी तो तुम्हारा 45 हो जाएगा सितंबर तक। सितंबर तक 45% देना पड़ेगा, जून तक तुम 16% पे की हो, 15% पे की हो और 30% दोगे तो 45 हो जाएगा। तो सिमिलरली नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में भी फिर 30% दे दो, क्योंकि 75 करना है और सितंबर तक 25 दे दो, 100 हो जाएगा। तो ये जो है ये 15% है और ये जो है ये 30% है, दोनों मिला के कितना हो रहा है 45, और फिर 30% है, ये तीनों मिला के कितना हो रहा है बोलो 75, है कि नहीं, और ये है 25, ये चारों मिला के कितना हो रहा है 100%। एडवांस टैक्स में और कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है कितना पे करना पड़ेगा। पहले तुम्हें एस्टिमेटेड टैक्स एस्टिमेटेड इनकम डिटरमाइन करना होगा, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, उसके बाद एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी डिटरमाइन करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद देखोगे कुछ TDS है क्या, अगर TDS है तो उसे तो माइनस करोगे, और जो अमाउंट है वो अमाउंट पे करना होगा एज एडवांस टैक्स, ठीक है, पे करना होगा एज एडवांस टैक्स। अगर तुम्हारा इनकम 10,000, अगर तुम्हारा टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, तो यहाँ पे इतना इसका टैक्स लायबिलिटी कितना है, देखो इसका टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा था, हेल्थ एंड सेस ऐड करके, हेल्थ एंड एडुकेशन सेस ऐड करके टैक्स लायबिलिटी कितना हो रहा था, हम लोग जो बनाए थे, हाँ हाँ बोलो, सब हम लोग जो बनाए थे उसका तो, हाँ उसी के हिसाब से वो, उसके हिसाब से भी 29 था समथिंग, 29 और 27। हाँ सर, देखो हम लोग जो बनाए थे और ये जो दिया हुआ है, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस है कि इन लोगों ने सिर्फ ग्रॉस सैलरी को कंसीडर किया है, हम लोगों ने क्या किया है ग्रॉस सैलरी से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके जितना आ रहा था उसी को कंसीडर किया था, ये दोनों में यही डिफरेंस है। अगर अगर इसमें डिफरेंस है तो रिमेनिंग जो पोर्शन है उसमें तो डिफरेंस आएगा ही, टोटल इनकम डिफरेंट होगा, एस्टिमेटेड टैक्स डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ पे कितना आ रहा था टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी वहाँ पे उस केस में 29 समथिंग ऐसा आ रहा था, 29,000 और 27,000 ऐसा कुछ, तो 10,000 से ज़्यादा है कि नहीं, 10,000 से ज़्यादा है तो टैक्स एडवांस टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा आंसर दो, व्हेन द एसएससी इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स, कब देना पड़ता है एडवांस टैक्स सर, उसको जब 10,000 से ज्यादा टैक्स पेबल हो, व्हेन एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी इज मोर देन 10,000,
इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, इज देयर एनी एग्जेम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, एग्जेम्पशन है क्या? एग्जेम्पशन किसके लिए है? एग्जेम्पशन सीनियर सिटीजन इज अवेलेबल टू, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन हैविंग नॉट हैविंग नॉट हैविंग व्हाट? अच्छा सिर्फ सीनियर सिटीजन नहीं, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन, रेसिडेंट होना भी चाहिए, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन नॉट हैविंग क्या? नॉट हैविंग क्या होना नहीं चाहिए? और प्रोफेशन इनकम, ठीक है, उसे एडवांस टैक्स, वो एडवांस टैक्स नहीं पे करेगा तो उसके लिए एग्जेम्पशन है, तो पे करने की जरूरत नहीं है। ड्यू डेट क्या है? 15th जुलाई जून कितना परसेंटेज? 15% 15th सितंबर, 15th सितंबर, फिफ्टीन परसेंटेज 15 सितंबर तक दे देना चाहिए। 75 45 45 ना दिसंबर तक 75 75 मार्च तक 100% 100। अच्छा टैक्स पेबल एक एम्प्लॉय का 29 है एस्टिमेटेड टैक्स, एडवांस टैक्स इतना है, तो कितना सेल्फ असेस टैक्स देना पड़ेगा? देखो सेल्फ असेस टैक्स मतलब समझते हो? सेल्फ असेस टैक्स मतलब अगर तुम टैक्स बोलो, अगर टैक्स तुम असेसमेंट ईयर में पे कर रहे हो, असेसमेंट ईयर मतलब मार्च के बाद, अगर कोई भी टैक्स जो कि प्रीवियस ईयर के बाद पे किया जा रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के बाद पे किया जा रहा है, मतलब असेसमेंट ईयर में पे किया जा रहा है, तो वो क्या है? सेल्फ असेस टैक्स है। अगर तुम मार्च एंड होने से पहले दोगे तो वो उसे, तो उसे क्या कंसिडर किया जाएगा? एडवांस, एडवांस टैक्स। मार्च खत्म होने से पहले अगर पे करते हो तो उसे कंसिडर किया जाएगा एडवांस टैक्स, ठीक है। उसके बाद अगर पे करोगे तो क्या बोला जाएगा? सेल्फ असेस टैक्स। तो कितना सेल्फ असेस टैक्स देना पड़ेगा? सेल्फ असेसमेंट टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स सेट, सेट कितना देना पड़ेगा बोलो? टैक्स लायबिलिटी कितना था? 29। और ऑलरेडी एडवांस टैक्स कितना पे हो गया है? इतना, तो देना पड़ेगा कितना? 4100 देना पड़ेगा सेल्फ असेस टैक्स, ठीक है। और कुछ नहीं, यही था एडवांस टैक्स, छोटा चैप्टर था। और एडवांस टैक्स के बाद इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, वो जो सम था वो
समझ चुके हो, वो जो सम था वो समझ चुके हो। जी ठीक है, पहले उसमें क्या करना पड़ा, पहले एस्टिमेटेड इनकम निकालो, एस्टिमेटेड टोटल इनकम, उससे तुम टैक्स निकालो। अगर टैक्स 10,000 से ज़्यादा है तो क्या देना पड़ेगा, एडवांस टैक्स देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, TDS माइनस करने के बाद जितना अमाउंट होगा उसके ऊपर देना पड़ेगा एडवांस टैक्स। अच्छा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट में आ जाओ। इंटरेस्ट इंटरेस्ट कब देना पड़ता है, इंटरेस्ट कौन सा सेक्शन।